आज का जो हमारा टॉपिक है ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब है क्या sp2? sp2 मेंशन करती है, sp2 मतलब हमारे पास क्या होगा, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। और साथ में p2 मेंशन कर रहा है हमारे पास जो 2 होंगे वो 2p, मतलब जस्ट लाइक हम मेंशन करते हैं 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। एक s होगा और दो क्या होंगे, हमारे पास p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। और जब एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारे पास 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, ये 1 है, ये 2 है, तकरीबन हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, 3 न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, के 3 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी और रिजल्टिंग हमारे पास 3 ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। दरमियान में क्या पॉइंट आ रहा है इनकी इंटरमिक्सिंग का, ये होती है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 1s और 2p जो होंगे ये डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट इन शेप होंगे, लेकिन जो 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे इनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस या इन स्पेस इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट वन हमने इसकी देख ली डेफिनेशन। हम देखते हैं कि इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ क्यों किया जाता है। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि sp2 टाइप जो हाइब्रिडाइजेशन की है ये क्या काम करती है, ये यूज़ की जाती है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग, कि हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में किन कंपाउंड्स में, इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, बॉन्डिंग को हमने एक्सप्लेन करना है किसमें, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आपको पहले भी रिवाइज करवाया था, बताया भी था कि अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। सेचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन एटम जो होता है वो दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच होता है, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम या तो डबल बॉन्ड बनाता है या फिर क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, जस्ट लाइक इथीन एंड इथाइन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि ये एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं जस्ट लाइक कि ये किसको एक्सप्लेन करता है, अनसेचुरेटेड डबल वाले या ट्रिपल वाले को एक्सप्लेन करता है, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ये एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, ये अल्कीन्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। और अल्कीन्स क्या होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करे, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे। तो इट्स मीन अल्कीन में विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इसमें sp2 मोड ऑफ या sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो किसको एक्सप्लेन करती है, अल्कीन को एक्सप्लेन करती है। और अल्कीन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, ये बता दिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों यूज़ होती है, ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है इन द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि ये कौन से अनसेचुरेटेड कंपाउंड को एक्सप्लेन करती है, डबल या ट्रिपल, तो पता चला कि ये अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती है। अच्छा जी, अब हम इसके लिए किस स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन को यूज़ करेंगे, अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए कौन से अल्कीन की एग्जाम्पल लेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। और इथीन का फार्मूला क्या होता है, इथीन का फार्मूला होता है H2C डबल बॉन्ड CH2। मींस अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ, 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, एक कार्बन को देखें तो 2 बॉन्ड इसने सेकंड कार्बन के साथ, और 2 बॉन्ड जो होंगे वो किससे कंप्लीट होंगे, हाइड्रोजन से। एक चीज़ तो हमने यहाँ पे मेंशन की कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये है कि लास्ट जो हमने मीथेन और इथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड थे, और सिंगल बॉन्ड किसको मेंशन करता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो मेंशन करता है सिग्मा बॉन्ड को, कि हमने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी थी, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, और डबल बॉन्ड किसको मेंशन करता है, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं,
पाई बॉन्ड का नाम लेते हैं। मतलब आज के लेक्चर में हम सिग्मा बॉन्ड जो किससे बनता है हम पहले पढ़ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, मीन जब दो ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग, या इसको हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर कवर हो गया है। साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर हम मेंशन करते हैं कि इसमें क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। और आज हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी देखेंगे कि एथीन के स्ट्रक्चर में ये जो सेकेंड बॉन्ड मतलब क्रिएट होता है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ये किस तरह से फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, अब हम देखना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे भी जो सेंट्रल आइटम है वो कौन सा है, कार्बन है। हमने सेम जैसे लास्ट लेक्चर्स में किया था, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड, देन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कार्बन 6 है, फर्स्ट वन हम इसकी कौन सी स्टेट मेंशन करेंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। और अगर हम p को उसकी ऑर्बिटल फॉर्म में लिखते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। दो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, तो एक किस में आ जाएगा, px में आ जाएगा, एक py में आ जाएगा, और pz हमारे पास कौन सी स्टेट में है, एम्प्टी है, तो इसको हम लिख देंगे 2pz0। उसके बाद हम कार्बन 6 की कौन सी स्टेट लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किसके पास चला जाएगा, 2pz के पास। मतलब मैं अगर इसी को दोबारा से राइट करूं तो ये हमारे पास है 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट करके किसके पास जा रहा है, 2pz के पास। और जो हमारे पास न्यू कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो किस तरह से आ रही है, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब देखा जाए तो हमारे पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे विच मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टडी कर रहे हैं, हम sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमने जस्ट 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेने हैं, इससे ज़्यादा ऑर्बिटल्स को नहीं लेना। तो इट्स मीन ये जो हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, हमें 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, जबकि जो 2pz है ये किस स्टेट में रहेगा, अनहिब्रिडाइज स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ कार्बन 6 की हिब्रिडाइज स्टेट, तो हिब्रिडाइज स्टेट में हमारे पास कौन से 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, एक s का आएगा और 2 कौन से आएंगे, p के आएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे, 3। और इन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको भी हम कह देंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये वाला जो होगा ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये वाला जो नेक्स्ट है ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जबकि 2pz1 जो है ये किस स्टेट में रहेगा, दिस वन इज एग्जिस्ट इन द इनहिब्रिडाइज्ड स्टेट, अनहिब्रिडाइज्ड स्टेट, कि इसने हिब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, अनहिब्रिडाइज्ड स्टेट में रहेगा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हिब्रिडाइज्ड स्टेट को मेंशन कर दिया। अब हम इसके आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम किस तरह से होगी, जैसे जस्ट लाइक हम मेंशन कर रहे हैं, एक हम देखते हैं डायग्राम ऑर्बिटल्स की फॉर्म एक्साइटेड स्टेट में, और उसके बाद हम देखते हैं हिब्रिडाइज स्टेट में। थर्ड स्टेप होता है हमारे पास रेंजमेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में राइट करती हूँ 2s1, 2px1, तो वही जैसे हम लास्ट स्टडी कर चुके हैं कि ये हमने किस में, ये कौन सा ड्रा किया, 2s1, ठीक है जी, प्लस एक्स वाई एंड जी एक्सिस है हमारे पास। तो 2px को ड्रा करना है, तो वो 2p के लोब किस पे आ जाएंगे, 2px1 प्लस थर्ड वन हमारे पास कौन सा आ रहा है, 2py। यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं 2py, एक्स वाई एंड जी एक्सिस है, तो ये आ गया 2py1। और थर्ड वन हमारे पास कौन सा होगा, एक्स वाई एंड जी, और जो लास्ट ऑर्बिटल फोर्थ वन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2pz1। अब ये वाले जो 3 ऑर्बिटल हैं ये तो इन्वॉल्व है हिब्रिडाइजेशन में, और यही जो हमारे पास 2pz है ये हमारे पास किस फॉर्म में रहते हैं, अनहिब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं आफ्टर हिब्रिडाइजेशन इनकी फॉर्म किस तरह से बनेगी, आफ्टर 3 ऑर्बिटल हैं रिजल्टिंग भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने मेंशन किया था कि एक लार्जर लोब होगा और एक क्या होगा, स्मॉलर लोब। इस तरह के 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे हिब्रिडाइजेशन के बाद,
थ्री ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे जिसमें एक लार्जर लोब होगा, एक क्या होगा स्मॉलर लोब होगा। और अगर हम सिंगल कार्बन एटम के लिए इसको अरेंज करते हैं तो ये कार्बन एटम है इसकी, अगर इसी के सामने अरेंजमेंट मेंशन करूं, कार्बन है ये, कार्बन का ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये, तीसरा ऑर्बिटल, ठीक है जी। और इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इट्स मीन कार्बन में कौन सी हिब्रिडाइजेशन हुई है, sp2 हिब्रिडाइजेशन हुई है। और sp2 हिब्रिडाइजेशन के नतीजे में तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हुए हैं, जबकि जो फोर्थ 2pz ऑर्बिटल है ये क्या है, अनहिब्रिडाइज फॉर्म में ही रहेगा। ये हम अभी आगे स्टडी कर रहे हैं, अनहिब्रिडाइज फॉर्म में रहेगा। और ये किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा जी, अभी हमने मेंशन किया है कि कार्बन, एक कार्बन में sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, तो कार्बन की फॉर्म किस तरह से बनती है, जस्ट लाइक कार्बन के तीन ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे कार्बन के एक ऑर्बिटल इधर इस साइड पे ड्रा कर लूँ, एक ऑर्बिटल इस साइड पे ड्रा कर लूँ, और थर्ड वन ऑर्बिटल इस फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो तीनों ऑर्बिटल है इन सब में क्या है, एक सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम कौन सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे भी टू हाइड्रोजन है और इस साइड पे भी टू हाइड्रोजन है। और ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, और कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, बाय द म्यूचुअल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, म्यूचुअल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, हम यहाँ पे क्या मेंशन करें, बाय द म्यूचुअल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो इट्स मीन यहाँ पे जो कार्बन के ऑर्बिटल होंगे वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अच्छा जी, हमने एक कार्बन को मेंशन कर दिया कि एक कार्बन में कौन सी हिब्रिडाइजेशन हुई, एक कार्बन में sp2 हिब्रिडाइजेशन हुई, तो उसके तीन ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए। जो सेकेंड कार्बन एटम होगा विद दिस वन, ठीक है, ये जो दूसरा कार्बन एटम है अंडर को सेम मोड ऑफ हिब्रिडाइजेशन, इस दूसरे कार्बन एटम में भी sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी और उसके भी तीन ऑर्बिटल्स ही प्रोड्यूस होंगे। मतलब मैं अब दूसरी कार्बन की दोबारा से डिटेल मेंशन नहीं कर रही, जैसे हमने पहले कार्बन की sp2 हिब्रिडाइजेशन स्टडी की, सेम उसी तरह क्या होगी दूसरे कार्बन की। तो हम सिंपल राइट करेंगे, सेकेंड कार्बन एटम अंडर गो सेम टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन। अब जब सेकेंड टाइप ऑफ कार्बन एटम सेम हिब्रिडाइजेशन के मतलब उसमें होगी, तो उसके भी इसी तरह तीन ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, दिस वन इज अ वन ऑर्बिटल, दिस वन इज अ सेकेंड ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज अ थर्ड ऑर्बिटल, ठीक है जी, तीन ऑर्बिटल है। अब इसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन से पेयर अप कर जाएगा, जबकि इनके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये भी अपनी उसी स्टेट में है। अब देखा जाए तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन और कार्बन में ओवरलैपिंग हुई है, तो इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है जी। अब हम बैक साइड वाले एटम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपर साइड पे है ये जो अनपेयर ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन अटैच होना है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, ऑर्बिटल कैसे ड्रा होगा, ये एक सर्कुलर फॉर्म में होगा 1s1। तो मींस ये एक जो स्फेरिकल फॉर्म में है हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, इसको हम सिंपली ऐसे राइट करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन का वन ऑर्बिटल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी पेयर अप होने के लिए किसी दूसरे ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जो होगा कार्बन का अनपेयर ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा, सेम इस साइड पे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयर अप हो जाएगा। तो मींस यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब इस साइड पे हम बात करते हैं, तो ये जो sp2 कार्बन थ्री हमारे पास, इसका जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके पेयर अप हो जाएगा, एंड इन द सेम वे यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके क्या हो गया, पेयर अप हो गया। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखा जाए तो ये सारे सिंगल बॉन्ड बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। और सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं, बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सबकी ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहाँ तक तो हमने उन ऑर्बिटल्स की बात की है जो कि हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व थे, जबकि हम रीड कर चुके हैं कि हमारे पास 2pz ऑर्बिटल वो है जो कि किस स्टेट में होता है, अनहिब्रिडाइज स्टेट में होता है। और जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि चीज़ याद रहे, और जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, अनहिब्रिडाइज
ऑर्बिटल, कौन से अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2p z, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है, ये जितने भी मींस, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कहते हैं कि जब सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है, दिस वन इज अ कोप्लैनर, ये एक ही प्लेन में होता है। जबकि जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्मूले में, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये सारा क्या होगा, कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होता है। जबकि जो अनहिब्रिडाइज्ड 2p(z) ऑर्बिटल होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास, अब मैं ड्रा करूंगी 2p(z) के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन एक्चुअल में होती कैसे है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो थे उनकी हमने फॉर्मेशन स्टडी कर ली है। अब ये वाला जो होता है 2p(z) ऑर्बिटल, ये बाकी ऑर्बिटल के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है जी। इधर भी मैं मेंशन कर देती हूँ 2p(z) और यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ 2p(z) और इन दोनों के पास क्या है, वन वन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब पहले तो हो रही थी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अब ये जो 2p(z) ऑर्बिटल है, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन बाकी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आपस में क्या करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। और साइडवेज ओवरलैपिंग के नतीजे में किसकी फॉर्मेशन होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग के नतीजे में यहाँ पे फॉर्मेशन होगी पाई बॉन्ड की। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, मैं इसकी लोअर साइड पे ड्रा करती हूँ। स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पहले से हमारे पास स्ट्रक्चर था। अब ये जो पाई बॉन्ड की साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है, इसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, ये सेकेंड बॉन्ड। तो दिस वन बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड किस वजह से बनता है, ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग का नाम भी देते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और इसके अलावा, इसको पैरेलल ओवरलैपिंग के अलावा जो दूसरा नाम है वो हम कौन सा दे सकते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया इथीन का, कि इथीन में एक्चुअल में अगर पाई बॉन्ड बनता है तो वो बनता किस तरह से है, और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का होता है, दिस वन इज इक्वल टू द 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है किसकी, sp2 हिब्रिडाइजेशन विद द एग्जांपल ऑफ इथीन। अगर मैं थोड़े से लेक्चर को रिव्यू कर देती हूँ एक दफ़ा अगेन, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, जरा आपने गौर से सुनना है। फर्स्ट वन, हमने sp2 हिब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया कि 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग से हमारे पास न्यू 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है जी, जो हमारे पास थी sp2, जिन्हें हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। सेकंड पॉइंट पे मैंने मेंशन किया कि ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता है इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये कौन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक्सप्लेन करेगा, डबल को या ट्रिपल को, तो हमने मेंशन कर दिया कि ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है, जस्ट लाइक एल्कीन्स। और एल्कीन्स के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर किसका मेंशन किया, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, दैट इज अ CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल मतलब जो हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए होती है, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग से होती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर कार्बन इथीन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो फर्स्ट वन हमें कार्बन की कॉन्फिग्रेशन को मेंशन करना था, सेम लाइक प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने इथेन मीथेन को मेंशन किया था, हम कार्बन की फर्स्ट वन ग्राउंड स्टेट मेंशन करेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट, देन हिब्रिडाइज स्टेट। इसमें जो 3 sp2 हिब्रिडाइजेशन है, 1s एंड 2p है, तो हमारे पास 1s एंड 2p हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, और जो नेक्स्ट वन है वो क्या रहेगा, अनहिब्रिडाइज स्टेट में। फिर हमने उसकी बिफोर मतलब एक्साइटेड स्टेट में डायग्राम ड्रा की, उसके बाद हिब्रिडाइज स्टेट में डायग्राम ड्रा की। नेक्स्ट वन मैंने मेंशन कर दिया कि जब दो कार्बन आइटम है, दोनों में sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी, तो किस फॉर्म का स्ट्रक्चर बनेगा। एक कार्बन जब sp2 हिब्रिडाइजेशन करती है, तो वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है, और इनमें दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। कार्बन के जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके पेयर अप हो जाएंगे। उसके बाद जो अनहिब्रिडाइज 2p(z) ऑर्बिटल होता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा, पाई बॉन्ड की। तो जो मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये किस तरह से बनता है। फिर हमने ये मेंशन किया कि इथीन के बाद म्यूचुअल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल,
हाइड्रोजन कैसे इसके साथ बॉन्डिंग करता है, इसमें टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल की वजह से बन रहा है। आई होप बेटा आपको ये पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।